Hello guys, welcome to Fit Cook. Ashish Bajaj this side. Today I have bought two beautiful and tasty fat loss friendly full makhana snack recipes. Full makhana, rich source of calcium, magnesium and potassium. They are high in fiber, low GI होता है तो obviously ये diabetic friendly हैं and they are brilliant replacement to your evening junk snack. So it's time to dry roast makhanas on a low flame. I'm dry roasting full makhana in a cast iron pan. I'm a big fan of cooking in cast iron pan owing to its miraculous health benefits. हमें फूल मखाना को धीमी आंच पर तब तक रोस्ट करना है जब तक इनमें से एक प्यारी सी खुशबू ना निकले और कुछ इस लेवल की क्रिस्पीनेस अचीव ना हो जाए. बिल्कुल इस तरह की साउंड आनी चाहिए. सो द फर्स्ट रेसिपी इज गुड मखाना. थोड़ा सा घी ऐड करें एंड लेट इट मेल्ट फॉर सम टाइम. आप अपनी इच्छा से इसमें जैगरी डालें. मैं थोड़ा सा कम घी और जैगरी यूज़ कर रहा हूँ. आई डोंट वॉन्ट दिस रेसिपी टू बी कैलोरी डेंस. मेक श्योर यू डोंट ओवर बर्न द जैगरी. आप फ्लेम को कुछ ही समय बंद कर दें. वंस द जैगरी मेल्ट्स आप इसमें रोस्टेड मखाना ऐड कर दें. मिक्स इट वेल. मेक श्योर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए. आप इसको अच्छे से चलाएं. Now it's time to add sesame seeds. Sesame seeds, as we all know, they are high in calcium and also in good fats. बहुत फायदा करते हैं. So the next recipe is makhana mixture. ये भी बहुत ultimate evening snack option है. हम घी को मेल्ट करेंगे. घी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. टाइम टू ऐड हैंडफुल ऑफ पीनट्स. आप इनको अच्छे से रोस्ट करें. आई एम ऑल्सो एडिंग 2 स्पून ऑफ चना दाल. ये बहुत बढ़िया क्रंच प्रोवाइड करती है. थोड़ी सी मैंने गरी ऐड करी है एंड आई एम रोस्टिंग ऑल ऑफ देम फॉर सम टाइम. आई एम एडिंग अनसॉल्ट सॉल्ट. थोड़ी सी टर्मरिक मैंने ऐड करी है. अच्छे से चला दें ताकि इनमें अच्छी सी कोटिंग हो जाए. आई एम ऑल्सो एडिंग ब्लैक पेपर. इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन. नाउ इट्स टाइम टू ऐड रोस्टेड मखाना. अब आप अच्छे से मिक्सचर को पूरी तरह से चला दें ताकि मसालों की अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी इज़ दैट इट कम्स विद द गुडनेस ऑफ गुड फैट्स कमिंग फ्रॉम पीनट्स एंड देसी घी. फॉर इवन बेटर टेस्ट गार्निश द डिश विद सम फ्रेश कोरिएंडर लीव. सबसे अच्छी बात है इन दोनों रेसिपीज़ की कि आप इनको बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं एंड दे विल डू गुड फॉर अ वीक. फिट कुक के चैनल पर हम दोबारा मिलते हैं एक और रेसिपी और बढ़िया फिटनेस इन्फॉर्मेशन के साथ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.